गोवा में मुख्यमंत्री सुखार राहत योजना का लाभ दिलाने के नाम पर फर्जीवाड़ा करने का मामला सामने आया। मामला कसवाड़ा गांव का है। यहां पर कुछ युवकों ने पहले तो गांव की महिलाओं को योजना का लाभ दिलाने का प्रलोभन दिया, बाद में महिलाओं से पैसे की मांग करने लगे। इस दौरान मुखिया बंटी उराव भी मौके पर पहुंचेगा और युवाओं से पूछताछ करना शुरू कर दिया और मौके पर अपने अधिकारियों को बुलाने की बात करने लगे, लेकिन डर के मारे युवक लैपटॉप, बायोमेट्रिक डिवाइस सहित सामान छोड़कर फरार हो गए। वहां के स्थानीय पुलिस को पूरे मामले से अवगत करा दिया गया। फिलहाल पुलिस मामले की पड़ताल कर रही है। के द्वारा एक तीन युवक को भेजा गया था जिसमें सुखाड़ के नाम पे 100 रुपया सुबह जा रहा था और सुखाड़ के नाम पे महज डॉक्यूमेंट्स के तौर पे है अकाउंट नंबर, आधार नंबर और आपका खाता नंबर लेके एंट्री करके 100 रुपये। हमको पूरा जानकारी प्राप्त ग्रामीण को होने के बाद पंचायत में हम आए और उसमें हम जांच पड़ताल की। जांच पड़ताल में उनका पाया गया खेती नहीं होता है ना उसके लिए। हम लोग भैया रसीद नहीं, तो हम लोग पास नहीं रसीद है उसको, तो नहीं पहचान पत्र से दिया जा रहा है। तीनों का मतलब फोटो कॉपी ले रहे हैं का पहचान पत्र। 3,500 मतलब 15 तारीख को आप लोग को मोदी सरकार जो 1 करोड़ दे रहे हैं ना, तो सब तरफ लिखा हुआ है। ये गलत तरीका से जो है तो ये लोग को पता नहीं, कोई बरगला के इसको बुलाया कि अपने से आया, समझ में नहीं आ रहा। हम लोग को बाद में जब पता चला हम वार्ड और मुखिया को, तो हम लोग आकर के यहाँ पर पब्लिक के सामने हम लोग पेश हुए और पता चला कि ऐसे ऐसे बरगला करके गरीब जनता का पैसा लिया गया। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।